एक 8-10 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहता था। वो काफ़ी सालों बाद अपने गांव जाने वाला था अपने दादाजी से मिलने। वो जब भी अपने गांव जाता तो अपने दादाजी के साथ काफ़ी बातें किया करता था। वो इस बार गांव जाने के लिए बहुत खुश था। जब वो अपने गांव पहुंचा और दादाजी से मिला तो वो बहुत खुश हुआ और अपने दादाजी के साथ ढेर सारी बातें करी। उसने बात करते करते अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनूंगा, आप मुझे बताइए मैं कैसे कामयाब बनूं। तो उसके दादाजी उसे एक पौधे की दुकान पर लेकर गए। वहां उन्होंने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और पौधे लेकर घर आ गए। तो घर आकर दादाजी ने एक पौधे को घर के अंदर वाले गमले में लगाया और एक पौधे को घर के बाहर वाले गमले में, और अपने पोते से पूछा कि बताओ इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा सफल और बड़ा पौधा बनेगा। लड़के ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा बड़ा और सफल होगा क्योंकि वो तेज़ धूप और तूफान से सेफ रहेगा, और बाहर वाले पौधे को तूफान और तेज़ धूप से खतरा है। दादाजी मुस्कुराए और कहा, चलो भविष्य में देखते हैं कि इन दोनों पौधों का क्या होता है, और जब तुम अगली बार गाँव आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूँगा। फिर कुछ दिन बाद ही लड़का वापस शहर चला जाता है और अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है। 2 साल बाद वो लड़का फिर से अपने गांव आया अपने दादाजी से मिलने, और उसने फिर से दादाजी से पूछा कि पिछली बार जब मैं गांव आया था तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं सफल कैसे बनूंगा, उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें वो पौधा याद है जो हमने लगाया था? तो तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज़्यादा बड़ा और सफल होगा, तो चलो आज देखते हैं। फिर दादाजी उसे घर के अंदर वाले पौधे के पास लेकर गए। लड़के ने देखा कि वो पौधा तो बड़ा ही नहीं हुआ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। फिर दादाजी उसे बाहर वाले पौधे के पास लेकर गए तो लड़के ने देखा कि वो छोटा सा पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। फिर दादाजी कहते हैं कि देखो, बाहर वाले पौधे ने तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, आंधी तूफान और बारिश से लड़ा, और आज ये इतना मजबूत है कि कोई बारिश और धूप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया था वो पौधा तेज़ धूप और बारिश से सेफ था, लेकिन वो आज भी उतना ही छोटा और कमज़ोर है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में कठिन समय और मुसीबतों से नहीं गुजरते हो और कोई संघर्ष नहीं करते हो, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। अगर तुम जीवन में चुनौतियों से डरकर शॉर्टकट रास्ता चुनते हो, जैसे वो घर के अंदर वाला पौधा था, उससे आपको एक कंफर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन आप हमेशा कमज़ोर ही बने रहोगे। और अगर आप अपने जीवन में समस्याओं का डटकर सामना करते हो, तो घर के बाहर वाले पौधे की तरह आप भी मजबूत और सफल बनोगे।